सिद्धार्थ निगम और आशीष सिंह की जोड़ी जी हाँ कुछ ही टाइम में इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि फैंस अवनीत कौर को भूलकर आशीष सिंह को कब अपना लिया सिद्धार्थ निगम के साथ पता ही नहीं चला। जी हाँ, इन दोनों की जोड़ी को बहुत ही जल्दी फैंस ने एक्सेप्ट कर लिया और दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है। बात करें अवनीत के बारे में तो अवनीत ने जब इस शो को छोड़ा था अलादीन शो को, जहाँ पर यास्मीन के कैरेक्टर को एक बार फिर रिप्लेस करना था मेकर्स को, जो कि काफ़ी बड़ा एक फैसला था, जहाँ पर आशीष सिंह को चुना गया रिप्लेसमेंट के दौरान, तो आशीष सिंह ने पहले तो इस शो के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने इस रिप्लेसमेंट के बारे में सोचा और रिप्लेस किया और उन्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया गया, ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा था। हाँ, कुछ तो बातें होती ही रहती हैं, कुछ लोग तो फिर बातें करते ही रहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन फैंस का बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्यार मिला। बात करें सिद्धार्थ निगम के साथ, उनकी जोड़ी को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। यशमिन के किरदार में सिद्धार्थ निगम और आशीष सिंह को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला था। इसके अलावा अगर बात करें तो इन दोनों का एक न्यू सॉन्ग आने वाला है बहुत ही जल्द, जो कि आप लोग देखने ही वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें उनके अपकमिंग शो के बारे में, जी हाँ, एक डेली शो के बारे में बात करें, सो ये काफ़ी बड़ा सवाल है फैंस का कि आखिर कब किस डेली शो में वो लोग एक बार फिर से नज़र आने वाले हैं। जी हाँ, अगर बात करें तो फैंस चाहते हैं एक बार फिर से वो किसी शो में दस्तक दे। बात करें आसिया और रणदीप की जोड़ी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था, ये उन दिनों की बातें हैं शो से, तो वही बात करें अगर देखा जाए तो अलादीन शो से यास्मीन और अलादीन शो की जोड़ी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। सिद्धार्थ निगम और आशीष सिंह को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है इन दोनों की और दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है ऑडियंस का। सो ऐसे में इन दोनों को लेकर मेकर से एक शो जल्द से जल्द कास्ट कर दें, यही फैंस चाहते हैं। और कौन होगा वो शो, किस कैरेक्टर में नज़र आएंगे, तो ये सब अभी भी सवाल ही बने हुए हैं। जी हाँ, जब मेकर्स इन लोगों को अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली ये दोनों ही इस शो को, ऐसे शो को साइन ज़रूर करना चाहेंगे। देखने वाली बात होगी शो आखिर किस तरह का होगा, क्या कोई रोमांटिक शो होगा, थ्रिलर शो होगा या फिर कोई हिस्टोरिकल शो होगा। जैसा भी हो, जल्द से जल्द शो आना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग, कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं इनके अपकमिंग शो के लिए, ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। एंड टेलीविजन की ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।